अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इम्तिहानात के हवाले से बात करेंगे। इम्तिहानात जो है वो काफ़ी करीब आ चुके हैं। अब आप अपनी मुकम्मल किताब की तैयारी नहीं कर सकते, अब आपको चाहिए एक सिलेक्टिव स्टडी का प्रोसीजर। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 से 15 ऐसे इम्पोर्टेंट सवालात बताऊँगा, जिसमें से तकरीबन 3 से 4 सवालात या कभी कभी 5 सवालात भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, 4 से 5 सवालात का मतलब यह है कि आपका फाइनल इम्तिहान बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद जब आपके असाइनमेंट मार्क्स और फाइनल इम्तिहान के मार्क्स जब रिजल्ट में काउंट होके आते हैं तो एक अच्छा ग्रेड बन जाता है। तकरीबन आप बी या बी प्लस ग्रेड ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें तो आप ए ग्रेड को भी टच कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 70% नंबर लेना कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, आपकी तैयारी बस अच्छी होनी चाहिए। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ये जानने के लिए कि कौन से 10 से 15 इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो हर इम्तिहान में आ जाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न के हवाले से। आखिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि पेपर में ऑब्जेक्टिव हिस्सा बहुत ही कम होता है, जिसे हम मुख्तसर सवालात या फिलिंग द ब्लैंक्स या दुरुस्त और गलत कह सकते हैं। तो ये सवालात बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि तफसीली सवालात होते हैं। दोस्तों, पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपने 40 नंबर हासिल करने हैं लाजमी तौर पे, ताकि आप पेपर में पास हो सकें। दोस्तों, अगर आप पेपर में 40 से कम नंबर लें तो आपकी सप्ली आ जाती है। इसके अलावा पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 3 की चॉइस होती है। आपने उस 8 सवालात में से 5 सवालात करने होते हैं, जो कि 100 नंबर का पेपर बन जाता है, जबकि कोई भी सवाल लाजमी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो दोस्तों, 8 सवालात आपको आएंगे, जिसमें से आपने 5 सवालात करने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस किताब के 10 से 15 इम्पोर्टेंट सवालात के बारे में बात करेंगे, उसका कोर्स कोड है 454 और इसकी किताब का नाम है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। तो मैं इसके 10 से 15 इम्पोर्टेंट सवालात के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सवाल नंबर 1, टेलीविजन का दूसरे ज़राए अब्लाग से मुआवजना कीजिए। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान टेलीविजन के तंजीमी व इंतज़ामी ढांचे पर जामिया नोट लिखें। सवाल नंबर 3, टेलीविजन नशरियात के तरक्याती मराहल बयान करें। नीस तलीम व तरबियत की फरामी में टेलीविजन के करदार पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 4, टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री बनाने के मुख्तलिफ मराहल पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 5, टेलीविजन खबरनामे की तैयारी के कौन से मराहल हैं, तफसील से अजहार ख्याल करें। सवाल नंबर 6, ड्रामा सीरीज, ड्रामा सीरियल और सोप की खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान में प्राइवेट टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम माशरे पर क्या असरात करते हैं, बयान करें। सवाल नंबर 8, बैनुल अक्वामी टेलीविजन अदारों के हवाले से अपनी मालूमात का अहाता करें। सवाल नंबर 9, टेलीविजन सेट डिज़ाइनर के फ्राइज और असाब कलम बंद करें। सवाल नंबर 10, दस्तावेजी प्रोग्राम से क्या मुराद है, दस्तावेजी प्रोग्रामों की मुख्तलिफ अकसाम तहरीर करें। सवाल नंबर 11, टेलीविजन मुसवदा निगारी की बुनियादी खसूसियात पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 12, फिल्म की तदवीन के मुख्तलिफ मराहिल तहरीर करें। सवाल नंबर 13, टेलीविजन फनियात का मुख्तसर जायजा लें।
सवाल नंबर 14, इस्लामी दुनिया पर टेलीविजन क्या असरात कर रहा है, तफसीली बहस करें। सवाल नंबर 15 में मैंने कुछ नोट दिए हैं, अक्सर सवालात में एक ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें 2, 3, 4 या 5 नोट हो सकते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी नोट होते हैं आपने तमाम लिखने हैं और नंबर की डिवीजन जो है वो तादाद पर मबनी होती है, जितने नोट होंगे उस हिसाब से डिवाइड कर दिए जाएंगे नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट के हवाले से बता देता हूँ। नंबर 1 बीबीसी टेलीविजन, नंबर 2 पीटीवी एकेडमी, नंबर 3 प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में फ़र्क, नंबर 4 मावन प्रोड्यूसर के फ़राइज, नंबर 5 टेलीविजन खबरों के मखसूस ज़राए, नंबर 6 दस्तावेजी प्रोग्राम, नंबर 7 पीटीवी और दौरे रोशन का मुआजना, नंबर 8 2D कैमरा, नंबर 9 टीवी कंट्रोल रूम, नंबर 10 कैमरा कंट्रोल यूनिट, नंबर 11 VTR, नंबर 12 ज़ाब्ता इखलाक। तो कुछ मैंने नोट भी दे दिए हैं, तकरीबन इसमें से काफ़ी हद तक पेपर आ जाएगा और ये एक सिलेक्टिव तैयारी हो जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूँ इसमें से सारे सवालात आ जाएंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपके इम्तिहान में आ जाएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।